इंग्लैंड कबड्डी फेडरेशन की रहनुमाई हेठ ऐतवार 14 अगस्त नूं लेस्टर कबड्डी क्लब वालों हिंकली दियां फुटबाल ग्राउंडां विच करवाया जा रहा कबड्डी टूरनामेंट। लंबे अरसे मगरों हो रहे इस टूरनामेंट संबंधी कबड्डी प्रेमियों च भारी उत्साह। दर्शकों नूं सहूलत लई फ्री पार्किंग, सिक्योरिटी अते लंगर दा कीता गया खास प्रबंध। लोगों लई रसाकशी दा मुकाबला होवेगा खिच दा केंद्र। आजादी दिवस मौके 1857 ईस्वी की पहली जंगे आजादी के 252 शहीद सैनिकों नूं याद करते हुए अज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर ते डिप्टी कमिश्नर अमृतसर हरप्रीत सिंह सूदन कालियावाला शहीदी खूह पहुंचे, जिथे उन्होंने वालों शहीदों नूं याद करते हुए उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट किए गए। इस मौके उत्ते कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इंदरवीर सिंह निज्जर ने कहा कि 75वें आजादी दिहाड़े नूं लैके शहीदों नूं श्रद्धा के फुल भेट किए ने। उन्होंने कहा कि इस जगह नूं यादगार बनाउण दे लई उन्हां दे वल्लों कल तो ही काम शुरू किया जा रहा है अते सब तो पहला इस जगह उत्ते आउण वाले रास्ते लई कारवाई शुरू की जाएगी। सो 75वां साडा आजादी का दिवस जिहड़ा मना रहे हैं असी कल, ते मान साहब वल्लों ड्यूटी लगी सी कि हर एक मंत्री कितने इह जिही इतिहासिक जगह पर जाए जिथे कुरबानियां किसे साडे शहीदां ने कुरबानी दित्ती होवे। सो मेरी ड्यूटी मेरे अपने पिंड अजनाला लगी सी जिथे कालियां दा खूह हैगा। सो उत्थे अज असीं आए हाँ, डीसी साहब नाल ने, होर एडमिनिस्ट्रेटर सारी नाल है, और जिहड़े साडे संस्था नूं इत्थे चलाउंदे ने सारे वह भी मेरे नाल बैठे, मेरे वीर पिंड दे निवासी सारे बैठे आ। असीं सब ने उह विचारिया, उह कुरबानियां विचारियां जिहड़ियां लोकां ने साडे वास्ते दित्तियां, एक भविख वास्ते दित्तियां। जदों उहनां नूं पता नहीं सी कि बनना की है, उन्होंने नहीं पता कि आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन वो लड़ते सी। इन्हें उन्होंने दृढ़ निश्चय से, उन्हों का इन्ना विश्वास से अपने आप में कि कुछ सामने भविष्य ना भी देखते हुआ वो लड़ते सके। सो सिख सानू उन्होंने लेनी चाहिए है, सानू उन्होंने तो उत्साह लेना चाहिए है। और जी सू फिजिकल आज़ादी तो उन्होंने लैती है, लेकिन मानसिक आज़ादी, गरीबी तो आज़ादी, माड़ी सेहत तो आज़ादी, ये असी आप लेनी है। साड़ा हक बनता है, असी मंगया करिए और सरकार मजबूर करिए कि तुम दे। हुण तां साडी अपनी सरकार है, सो मैं तो यह भी नहीं कह सकता तुहानूं कुछ, बस यही है कि तुहानूं जो जो वादे असीं कीते आ उह पूरे करने ने असीं। तो वह भी मैं वादा किया कि अजनाला निवासियों नूं सोहना सीवरेज, सोहना पानी पीण वाला यह मिलेगा जी, खेडण वास्ते पार्क मिलणगे और ग्राउंड भी मिलेगी, और दरख्त लावांगे खूब सारे, इत्थे चंगा माहौल क्रिएट करांगे। निजी साहब, इस यादगार नूं पिछली सरकार नूं लगभग विसारिया गया जी, मान सरकार की करन जा रही है इहनूं सांभ संभालण लई? जिवें डीसी साहब ने तुहाडे नाल वादे कीते आ कि राह जिहड़ा अजनाला रोड तों आउंदा थाणे सामणे, क्योंकि वो उस राह नूं असी सरकार नाल लैके आर्मी वाले अथॉरिटीज़ नाल लैके अज कल तो चिट्ठियां कढ़नी शुरू कर देंगे, मंगलवार तो जदों छुट्टी नहीं है ना उदों तो करके, तो असी इन्हां नूं कोशिश करांगे राह चौड़ा हो जाए ताकि आना जाना सौखा हो जाए। एक इत्थे म्यूजियम बनाया जाए और एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनावांगे, जिवें मोन्यूमेंट्स का बनता ना, सो कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बना के इकट्ठे सारा काम करांगे। वह भी वह हिस्सा बनेगा जो एक कलैक्टिव जहाँ प्रोग्राम बनावे, जिद बिल्डिंग का की करना है, राह का की करना है, जो उतों आर्टिफैक्ट्स जो चीज़ा निकलियाँ उतों वो किस तरह सामभनिया ने, किस तरह म्यूजियम बनेगा, इस तरह करा। जिमें कि जी थानू माननीय मंत्री जी ने पहला ही दसिया है कि एक इस यादगार है शहीदों का जोड़ा ये पावन स्थली है, यदा एक पुनर विकास का असी एक प्रोजेक्ट तैयार करा, जिस विच एक छोटा म्यूजियम, एक जो भी इत्थे समान निकलिया सीगा, जो आर्टिफैक्ट्स निकले सीगे उन्हां नूं इत्थे दर्शनी ते लगाण लई एक असी जिहड़ा है कॉम्प्रीहेंसिव प्लान तैयार करावांगे। उहदे बाद सरकार तों, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार तों असी फंड्स लैके उहनूं अमल च लियावांगे। जिथे तक राह दी गल हैगी है, क्योंकि सानूं सारिआं नूं पता है राह आर्मी दा जिहड़ी जमीन नाल लगदी है, तो असी आर्मी नालों टेकअप करांगे कि या तो सानू जमीन ही सरकार नू दे दित्ती जावे, जे वह नहीं दे सकते उन्होंने आप दे नियम अनुसार नहीं दित्ती जा सकती, घट्टो घट सानू राह वरतन लई चौड़ा कर दिता जावे, तो उहदी आण जाण दी जिहड़ी है सहूलत दे दित्ती जावे ताकि आम जनता आ सके। सो यही माननीय मंत्री जी दे दिशा निर्देश ने, इन्हां ताबे असी काम करांगे। अजनाला तो गुरप्रीत सिंह ढिल्लों की रिपोर्ट, वधेरे खबरां दी जानकारी लई देखते रहो अजीत वैब टीवी।